नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम पावर के ऊपर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पॉलीनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के जो वीडियोस थे, यानी वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के जो एग्जाम्पल हैं उनको डिस्कस किया था, 2.1 के एग्जाम्पल को डिस्कस किया था, पॉलीनोमियल के बेसिक कंसेप्ट को देखा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको रियल नंबर का जो कंप्लीट चैप्टर है उसके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर एनटीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा नाम है सुमित मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कल का जो हमारा सेशन था उसके अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 4 तक हमने कवर कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 में कुछ नहीं है, आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन होगा, आपको बोला जाएगा इसके जीरोस फाइंड कीजिए, या फिर आपको जीरोस गिवन होंगे और आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाने के लिए बोला जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। यानी फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपको यहां पे क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन है, इसके जीरोज निकालने हैं। जीरोज निकालने के मैंने स्टेप आप लोगों को बताए थे, अगर आपने एग्जांपल नहीं देखे हैं तो आप उनको देखिए, वहाँ पे जीरोज कैसे फाइंड किए जाते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, उसको मैंने बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। तो जीरोज फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है यानी 1 और जो आपका कॉन्स्टेंट टर्म है मतलब माइनस का 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट क्या मिला, माइनस का 8। अब हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं दो ऐसे पार्ट में, दो ऐसे डिजिट में, दो ऐसे नंबर में कि जब आप उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तब तो माइनस का 8 आना चाहिए, और अगर आप उन नंबर्स को ऐड करते हो या फिर उन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो तो माइनस का 2 आना चाहिए। तो मैंने बोला कि सर अगर आप माइनस के 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो 4 × 2 जा आपका हो जाएगा माइनस का 8। और अब देखिए, माइनस के 4 में से यदि 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है या फिर माइनस के 4 में प्लस 2 कर दिया जाता है तो माइनस का 2 हमें मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अगली स्टेप आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, यानी ये जो फर्स्ट फैक्टर है इसके साथ में x लिख देना है, प्लस 2x माइनस का 8। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से, मतलब यहाँ से आपको x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4 आपका यहाँ पे बच गया, यहाँ से आपको प्लस का 2 कॉमन मिल रहा है तो ये आपका x माइनस 4 हो गया। अगर आपके ये पोर्शन, दोनों के दोनों पोर्शन सेम आ रहे हैं तब तो आपका क्वेश्चन सही है, अगर ये सेम नहीं आ रहे हैं तो कोई ना कोई आपने गलती की है। और ये आपका रफ वर्क है, ये समझाने के लिए था, एग्जाम में आपको नहीं लिखना है ऐसा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको पता चला कि x प्लस 2 यानी x माइनस 4 को यदि मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस 2 बचेगा और आपका x माइनस 4 बचेगा। अब आपको चाहिए क्या, आपको इस पॉलीनोमियल के जीरो चाहिए। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करूंगा, पहले x प्लस 2 को 0 के बराबर कर दूंगा, तो x प्लस 2 बराबर 0 किया तो x बराबर माइनस का 2 मिल गया, और सिमिलरली x माइनस 4 को अगर मैं 0 के बराबर करता हूँ तो x बराबर मेरे पास में 4 आ गया। मतलब ये हुआ बेटा, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं जो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों के भले के लिए हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू माइनस का प्लस का 4, ये आपके दो जीरोज आपको मिल गए हैं। अब आपको कहा गया कि इनके बीच में रिलेशन भी फाइंड करके आपको बताना है। तो अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो आपको पता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है, आपको जब एग्जाम्पल करवाए थे तो मैंने बताया था सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं प्यारे बच्चों, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, जहां पे ए बी सी, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये रिलेशन होता है इनके बीच में, कोफिशियंट और जीरोज के बीच में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल होता है किसके, सी अपॉन ए के। अब जहां पे अगर मैं बात करूं कि ए बी सी क्या है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो आपका ए है, एक्स का जो कोफिशियंट है यानी माइनस का 2 वो आपका बी है, और सी जो है वो आपका कॉन्स्टेंट टर्म है यानी माइनस का 8 आपका सी हो गया, अंडरस्टैंड। अब सबसे पहले आप सम ऑफ जीरोज को लेके चलेंगे, अंडरस्टैंड। तो सम ऑफ जीरोज पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सम ऑफ जीरोज को मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, मेरे जीरोज क्या है, माइनस का 2 और 4, इन दोनों का सम मतलब माइनस का 2 प्लस का 4, ये बराबर होना चाहिए किसके, माइनस के बी अपॉन ए के, बी कितना है, माइनस का 2
और एक माइनस आपका फॉर्मूले के यानी बी के साथ में अपॉन ए कितना है 1। अब देखो दो में से चार चले जाता है तो दो बचेगा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, यानी लेफ्ट और राइट इक्वल हो गया। मतलब आपका जो सम ऑफ जीरोज है वो तो रिलेशन को हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारे जो जीरोज हैं वो सही हैं। अब प्रोडक्ट पे कर लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ये जो आपके जीरोज हैं इनका मल्टीप्लाई, मतलब ये कि माइनस के 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ और वो इक्वल होना चाहिए c अपॉन a के। c कितना है? माइनस का 8 अपॉन a कितना है 1। 4 2 जा कितना होता है? माइनस का 8 होता है, इज इक्वल टू माइनस 8। बात समझ में आई तो बेटा थम्स अप कर दो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करो। कमेंट करके भी बताना कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 4s² - 4s + 1। बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ये सारे क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो। सारे के सारे क्वेश्चन वीडियो हो सकता है 1 घंटे का बन जाए, बट पूरा एक एक क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस की है कि कंप्लीट क्लास 10th का एनसीईआरटी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, लाइन टू लाइन, ताकि आपको जब आप एनटीएससी एग्जाम दो, क्योंकि एनटीएससी में एनसीईआरटी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से अपने एग्जाम को कवर कर पाओ, एनसीईआरटी भी आप यहाँ से देख पाओ। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन बेटा हमारे पास में, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आप यहाँ पे नोट कीजिए। आपको एक क्वेश्चन गिवन है 4s² - 4s + 1, ठीक है। 4s² - 4s, ये 5 नहीं है, ये s है, प्लस का 1। तो पहली स्टेप क्या बताई थी मैंने कि x² का कोफिशियंट है 4 मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट टर्म कितना है 1। तो 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ में तो बेटा आता है 4। अब आपको 4 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है। आप सोचो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 4 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है, जब आप उनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास में 4 आना चाहिए, और उन दोनों नंबर को ऐड करो या फिर उन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास में माइनस का 4 आना चाहिए। तो मैंने कहा कि सर 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ में तो 4 आ जाएगा, और 2 और 2 को ऐड करूंगा तो प्लस का 4 आएगा, लेकिन हमें तो माइनस का 4 चाहिए, तो इसके लिए मैं इसको भी माइनस का ले लेता हूँ, इसको भी माइनस का ले लेता हूँ। दोनों को अगर मैंने माइनस का ले लिया बच्चों, तो अब देखो माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो वो प्लस बनता है, मैंने कल के सेशन में आपको बताया था। तो 2 को 2 से, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और माइनस का 2 ऐड होके बन जाएगा माइनस का 4। अंडरस्टैंड? अब क्या करेंगे अगली स्टेप में, हम यहाँ पे 4s² - 2s और दूसरा वाला भी -2s और +1। बात खत्म। ये वाला आपका रफ वर्क है, इसको आप रब कर सकते हो, ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब देखो यहां से आपको अलग कॉमन लेना है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, तो आपका जवाब होगा सर 2s कॉमन आ रहा है, ठीक है बेटा। 2s को बाहर कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, 2s - 1। यहां से कितना कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन आ रहा है सर। तो यहां से -1 अगर कॉमन आ रहा है तो आपने देखा कि ये क्या बन जाएगा, 2s - 1 बन जाएगा। अब देखो ये वाला सेम है, इसका मतलब आपने सही किया। अब 2s - 1 को बाहर कॉमन ले लो, 2s - 1 को आपने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 2s - 1। बात समझ में आया? अब देखो पहले 2s - 1 को 0 के बराबर करो, फिर 2s - 1 को 0 के बराबर करो, तो ऑब्वियस सी बात है एस के जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी, दो बार 1/2 आ जाएगी, यानी पहला जीरो जो है वो भी 1/2 है और दूसरा जीरो जो है वो भी 1/2 है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के हमेशा दो जीरोज निकलते हैं, ये मैंने बेसिक में बताया था कि जिस भी पॉलीनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोज फाइंड किए जाते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को। अब हम चलते हैं इनके रिलेशन पे। तो रिलेशन के अंदर आपको याद होगा मैंने आपको बताया भी था कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है। सम ऑफ जीरोज का मतलब है आपके जो जीरोज हैं 1/2 और 1/2, इन दोनों का सम बराबर होना चाहिए माइनस के बी अपॉन ए के। तो देखो ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है, आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में देखेंगे जो एस स्क्वायर का कोफिशियंट है वो आपका ए है, बी क्या है जो एस का कोफिशियंट है, और सी कितना है जो आपका कॉन्स्टेंट टर्म है। गॉट इट? तो आपका सम ऑफ जीरो जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपके माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू माइनस का बी यानी माइनस का फोर अपॉन ए मतलब 4। अब 1/2 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, मतलब ये रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो 1/2 आपके जो जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट 1/2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी कितना है 1/1, ठीक है। अब देखो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है बेटा, जल्दी से कॉमेंट करके बता दो मुझे,
जल्दी से कमेंट करके बता दो कितना आता है। सी अपॉन ए की वैल्यू तो 4 है ना यार। हाँ, ए की वैल्यू 4 है तो 4 रख दिया, 1/4। तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 बराबर होगा किसके, 1/4 के। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों और आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आप एक बहुत ही अच्छे एस्पेरेंट हैं और आप अपने गोल को जरूर अचीव करेंगे, क्योंकि पढ़ाई हर किसी इंसान के बस की बात नहीं होती। पढ़ाई वही कर सकता है जिसके सपनों में जान होती है, जिसके सपनों में जुनून होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 पे अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मेरा फेवरेट भी है। क्या बोला जा रहा है, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, ठीक है। तो पहला काम आपका क्या होता है, पहली स्टेप मैंने बताई थी कि आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ना, वो या तो इस फॉर्म में होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, सबसे लास्ट में कांस्टेंट टर्म आता है, या फिर वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म आता है, ठीक है, गॉट इट। तो अब ये वाली जो है इसको पहले अरेंज कर लो ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। तो आपने बोला सर मैं इसको ऐसा लिखूंगा 6x² माइनस का 7x, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको लास्ट में लिखूंगा। बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हो, अगर आप ये वाला ऊपर वाला करके करते हो तो भी गलत नहीं होता है, ठीक है, बट थोड़ा सा समझाने के लिए आपको इजी हो जाए। अब अपना अपना जो फर्स्ट स्टेप होता है जीरोज निकालने का, वो क्या होता है दोस्तों। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि आपका जो x² का कोफिशियंट है और आपका जो कांस्टेंट टर्म है उनका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे आप -3 के साथ तो आपके पास में आ जाएगा माइनस का 21। अब 21 को आपको डिवाइड करना है ऐसे दो नंबर में, ऐसे दो डिजिट में, जब आप उनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 21 आना चाहिए, ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास में माइनस का 7 आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है सर 21 कब आ सकता है, एक तो देखो 7 3 जा 21 होता है, 7 को यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आ जाता है, लेकिन 7 को 3 में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, और 7 में 3 को ऐड कर देंगे तो 10 आएगा, -7 तो नहीं आएगा ना, हमें तो -7 चाहिए। तो और सोचो, और सोचो और क्या हो सकता है, 6 4 जा 24 होता है, राइट। तो इसी तरीके से आपने जब दिमाग लगाया तो आपने कहा कि सर अगर मैं इसको करना चाहूँ तो 4 3 12, 3 2 6, 7 3 21, 21 के अलावा और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, आप सोचो, दिमाग लगाओ जरा कि सर इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना माइंड यूज कर लो, माइंड यूज कर लो जल्दी से जल्दी से जल्दी, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि सर माइनस का 21 था, या 21 कह लीजिए, तो ये 7 से हो रहा है डायरेक्टली, 7 3 जा और 3 जे, 7 3 जा 21 ही आएगा, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है सर, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है, इसके अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्त मेरे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक लाइन लिख देंगे, जब आपके जीरोस के जो ब्रेक है, जो ब्रेकिंग रूल है वो अगर नहीं होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, जीरोस तो निकालते हैं बट एक वो दूसरा फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले का नाम होता है सिद्धाचार्य, जो कि डी इज इक्वल टू b² - 4ac निकालते हैं, ठीक है। ये तो होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, और फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। बात समझ में आई, अब आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली जीरो निकाल सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन में भी आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूं एक बार आपको, ताकि कुछ तो नया सीखने को आपको मिले, ठीक है। जैसे आपको क्या गिवन है, आपको क्या गिवन है, एक आपको एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, ठीक है, आप नोट करना। जब आप फंस जाते हो कि सर अब तो हमसे जो फैक्टर है वो निकल नहीं रहे हैं तो हम क्या करें, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, जहां पे ए की वैल्यू तो x² का कोफिशियंट, बी की वैल्यू माइनस का 7 और सी की वैल्यू जो है वो माइनस का 3 आता है, ठीक है। तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपॉन 2a, ठीक है। बेसिकली ये रूट्स निकालने का फॉर्मूला है, इससे जीरोज भी अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यानी x इज इक्वल टू क्या, माइनस का बी मतलब माइनस माइनस का 7 प्लस माइनस 7² 49 होता है, माइनस 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, बात समझ में आया, अपॉन 2a यानी 2 मल्टीप्लाई 6, बात समझ में आया। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी 7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 6 चौक 24 72 अपॉन 6 दूनी 12, ठीक है,
बात समझ में आ गई तो मुझे बता दीजिए, x बराबर 7 प्लस माइनस 49 माइनस का 72। अब देखिए माइनस 49 में से माइनस का 72 जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो नंबर आएगा वो नेगेटिव आएगा, और रूट के अंदर यदि कोई नंबर नेगेटिव आ जाता है तो वो नंबर होता है इमेजिनरी नंबर। तो हम कह सकते हैं कि x के जो रूट होंगे यानी इस क्वाड्रेटिक सॉरी जीरो जो होंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जो जीरोज होंगे वो इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे, या फिर कैन नॉट बी डिटर्मिनेंट, हम फाइंड नहीं कर सकते, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि इमेजिन करना तो यार कुछ भी हो सकता है ना, इमेजिनरी का मतलब तुम समझ रहे हो, तो इस केस के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं। गॉट इट? आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई है, कोई तकलीफ कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है जरा इसकी भी सुनते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 4u² + 8u। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए कैसे किया जाएगा, जल्दी से बता दीजिए कैसे किया जाएगा। तो आपका जवाब होगा कि सर यहां से 4u मैं कॉमन ले लूंगा, ले ले बेटा 4u को कॉमन ले ले, 4u कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, u प्लस 4 2 8, u प्लस 2 बच गया, u प्लस 2 बच गया, बिल्कुल सर। तो अब देखो एक बार 4u को 0 के बराबर कर दो, 4u को 0 के बराबर करोगे तो u बराबर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 0/4 0 होता है, और एक बार आप u प्लस 2 को 0 के बराबर कर दो तो u बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। अब आपने देखा ये कि सर मेरे पास में दो जीरोज आ गए, पहला तो 0 और दूसरा माइनस का 2। अब इनके रिलेशन की बात करें, यदि इनके कोफिशियंट और जीरोज के बीच में जो तो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई अगर अपन करना चाहें तो क्या होता है, पहला होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है कि आपके जो दो जीरोज गिवन है उनका सम करना है, यानी माइनस के 2 प्लस 0 बराबर हो जाएगा किसके बेटा, माइनस का 2 प्लस 0 बराबर हो जाएगा किसके, आपको पता है माइनस के बी अपॉन ए के। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 8 है, और सी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 0 है, अंडरस्टैंड? तो माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए करेंगे यहाँ पे। आप समझ रहे हैं हमारी बात को या क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है? तो माइनस का बी आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, जल्दी से देख के मुझे बताओ। तो बी की वैल्यू तो माइनस का 8 नजर आ रही है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये यहाँ पे कोफिशियंट और जीरोज के बीच में जो इनका रिलेशन है वो वेरीफाई नहीं हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, क्योंकि आपका ये यू स्क्वायर ए हो गया और ये आपका बी हो गया, माइनस का बी अपॉन ए किया, मतलब ये आपका माइनस का 2 आ रहा है भाई मेरे, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे माइनस का 8 आ रहा है, ए की वैल्यू 4 होगी, 4 2 8, ये वेरीफाई हो गया। अगर वेरीफाई नहीं होता, अगर ये इक्वल नहीं आता, तो इसका मतलब समझ जाओ कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है, कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। गॉट इट? सिमिलरली प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट में क्या होता है मेरे भाई, प्रोडक्ट में क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी माइनस के 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सी अपॉन ए करते हैं, याद आया? तो ये तो हो जाएगा 0, सी की वैल्यू आपके पास में 0 अपॉन ए की वैल्यू 4, 0/4 0 होती है, ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है, क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया, अगला सवाल चलते हैं, अपना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है जरा ध्यान से समझिए, अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है टी का स्क्वायर माइनस के 15। मैंने बताया था आपको क्या निकालना है, इसके जीरोज निकालने, तो सबसे पहले आप इसको 0 के बराबर कर दो, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 15, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 15, और अंडर रूट 15 का मतलब क्या है कि एक रूट तो आपका माइनस का 15 और दूसरा रूट आपका प्लस का 15, यानी आप लिख सकते हो कि रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, ठीक है, ये आपके जीरो जा गए। अब आपको यदि इसको वेरीफाई करना है तो आप लोग वेरीफाई करके मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये वेरीफाई होता है क्या। सम ऑफ रूट्स की अगर बात करते हैं, देखो सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो माइनस का बी अपॉन ए होता है, यानी हमारे पास में दो रूट्स हैं, रूट 15, एक तो प्लस का यानी प्लस का रूट 15 और दूसरा माइनस का रूट 15, तो दोनों का सम करना है ना, तो ये माइनस का रूट 15 और ये बराबर होगा माइनस के बी अपॉन ए के, तो बी की वैल्यू तो 0 है, ए की वैल्यू 1 है, तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, तो 0 बराबर 0, ये तो वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट को करके देखते हैं, प्रोडक्ट क्या कहता है कि माइनस का रूट 15 है, इसको मल्टीप्लाई करना है प्लस के रूट 15 से, और प्रोडक्ट में क्या आता है, सी अपॉन ए, सी कितना है माइनस का 15, ए कितना है 1। अब देखो रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 आएगा, और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, और ये माइनस का साइन, यानी माइनस के 15 बराबर माइनस 15,
माइनस के 15 इज इक्वल टू माइनस 15। गॉट इट? गॉट इट? आई होप आपको समझ में आ गया है। मेरी जो गति है वो थोड़ी सी फास्ट है, तो मेरे साथ आप लोग भी फास्ट बन जाएं, थोड़े स्लो मत बनिए, अपने आलस को त्यागिए और एनर्जी के साथ पढ़ाइए, एनर्जेटिक होके पढ़िए, अच्छे से कवर कीजिए चीज़ों को, ठीक है, तभी रिजल्ट आ पाएगा मेरे भाई। ऐसे ना आलस से तो कुछ नहीं होता, आलस करोगे तो जिंदगी झंड है, फिर तो जिंदगी झंड है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर सिक्स आप ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। आज आपका 2.2 खत्म कर दूंगा इस वीडियो में, चिंता मत करो, ठीक है। आपको गिवन है 3x² माइनस का x माइनस का 4। बात समझ में आया? पहला काम आपका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप मास्टर ने बताई थी, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और जो कांस्टेंट टर्म है वो, उन दोनों का मल्टीप्लाई करते, तो 4 × 3 = 12 यानी माइनस के 12, 4 × 3 = 12 मतलब माइनस के 12। बात समझ में आई? अब माइनस का जो 12 है, 4 × 3 = 12 यानी माइनस का 12, तो अब इसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे, मतलब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस का 4 आना चाहिए। तो आप माइनस का 4 ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, माइनस का 12 आ जाएगा और 4 में से 3 चला जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। अब उनको x के साथ यहाँ लिख दो, तो 3x² माइनस का 3x माइनस का 4x और माइनस का 4। बात समझ में आई? यहाँ से अलग कॉमन ले लो, यहाँ से अलग कॉमन ले लो, यानी यहाँ से x कॉमन आ रहा है, साथ में 3 भी आ रहा है, तो 3x को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा है, यहाँ पे 3x माइनस 1 बच जाएगा। कोई दिक्कत है भैया? 3x माइनस 1 बच जाएगा, कोई गलती तो नहीं है? अरे बाबा, कोई मिस्टेक तो नहीं की ना हमने बेटा? कोई गलती की है तो बता दो। ठीक है, कोई गलती नहीं है, चलिए। बट मेरे को एक मिस्टेक लग रही है। मिस्टेक क्या लग रही है कि हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। तो मान लो कि 3x है, यहाँ पे 3x कॉमन लोगे आप, यहाँ से 3x को कॉमन ले लिया आपने, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया ना दोस्त मेरे, यही तो गलती करते हो, तुम्हारी जिंदगी ना झंड हो गई है मास्टर, क्या कहे बेटा, बूढ़ा हो गया हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से x कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया बाबू, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे माइनस 1 बचा, तभी मैं देख रहा यार आगे वाला तो सेम ही नहीं आएगा और फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, बच्चा गएगा मास्टर गलत पढ़ा दियो, ओए मास्टर गलत पढ़ा दिए तू। चलिए, तो देखिए 3x - 1, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का 4 कॉमन ले लेंगे, प्लस का 4 नहीं ले सकते, माइनस का 4 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस का होना चाहिए यार, एक तो प्लस का है ना, ये आपका प्लस का होना चाहिए, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, क्यों, देखो ये माइनस का 4x था और ये प्लस का 3x लिखना पड़ेगा ना। चलिए, तो अब आपने 4 कॉमन लिया तो ये आपका x प्लस 1 बन जाएगा, गॉट इट। अब देखो ये सेम आ रहा है, इसका मतलब सही है, तो मतलब ये हुआ कि 3x माइनस 4, ठीक है, इंटू x प्लस 1। अब देखो एक बार इसको बराबर कर दो 0 के, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, यानी 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? दिक्कत है क्या, बोलो, नहीं है। दूसरी बात, x प्लस 1 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। बात समझ में आई? x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, तो दो जीरोज आपने निकाल लिए। अब इनका रिलेशन अगर आप निकालना चाहें तो इतना आसान बन गया है रिलेशन निकालना कि अब कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी सम ऑफ जीरोज यानी 4/3 को -1/1 बराबर होना चाहिए b कितना है माइनस का 1 और ये बाहर माइनस, अपॉन ए कितना है 4, अब देखो और ए कितना है 3, ठीक है, ए कितना है 3, गॉट इट। अब देखो 3 एलसीएम आ गया और यहाँ पे 3 × 1 = 3 मतलब ये 1/3 बन गया, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये भी 1/3 बन गया। बात समझ में आई? सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या कहता है, 4/3 को मल्टीप्लाई करो माइनस के 1 से और यहाँ पे c/a आ जाएगा यानी माइनस का 4/1, ठीक है। अब ये भी माइनस का 4/3 बन गया क्योंकि जैसे ही माइनस को मल्टीप्लाई किया और ये भी माइनस का 4/3 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। क्या कोई तकलीफ है, क्या कोई दिक्कत थी इस क्वेश्चन को करने में? मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत थी, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत थी, कोई तकलीफ थी तो बताया क्यों नहीं, हम डॉक्टर को दिखाते, आपको बताना चाहिए था, आपने बताया नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। चलिए अब आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या है कि सम ऑफ रूट्स गिवन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब एग्जांपल करवाया था तो मैंने बताया था कि आप हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में जो फर्स्ट रूट होता है, फर्स्ट जीरोज होता है, उसको अल्फा लेट कर लो और दूसरे वाले को बीटा लेट कर लो,
ठीक है। तो अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी फर्स्ट रूट सेकंड रूट भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अगर इक्वेशन बनानी है, ठीक है, फर्स्ट रूट और सेकंड रूट भी आप जो है वो ले सकते हो। और अब यहाँ पे क्या बनाना है आपको, सम ऑफ सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है जीरोज का, आपको इक्वेशन सॉरी पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, सुनो ध्यान से, इक्वेशन नहीं बनानी है, ये थोड़ा इक्वेशन पॉलिनोमियल में ये वो फ्लो के साथ, कई बार क्या है कि जब मेरा मैं पॉलिनोमियल पढ़ा रहा हूँ और इक्वेशन वर्ड निकल रहा है तो आप ये समझना कि पॉलिनोमियल ही बोल रहे हैं सर, ठीक है। कई बार हो जाता है ना सर, बेटा दिन भर यही काम है, पूरे दिन ऑफलाइन क्लासेस हो गई, ये हो गया वो हो गया बस, तो फिर ये क्या है कि जुबान थोड़ी सी फिसल जाती है कभी कभी, ठीक है, तो मैनेज कर लेना। चलिए अब देखो क्या बोला जा रहा है आपको, ध्यान से समझना मेरे भाई और उसके बाद ही मुझे जवाब देना। आपको एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ जीरोज, यानी जो जीरोज हैं उसका सम आएगा, सम ऑफ जीरोज, फिर इंटू एक्स, प्लस का साइन यहां पे क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली मैं ये सारी इक्वेशन तैयार कर लूंगा, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस सम कितना गिवन है, 1/4 मल्टीप्लाई एक्स, प्लस प्रोडक्ट कितना गिवन है, माइनस का 1। अब आपने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स माइनस का 1, ठीक है। अब क्या करोगे, जब भी नीचे डिनोमिनेटर में कुछ आपको मिल जाए तो उसी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x स्क्वायर माइनस के 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 4 से 4 कैंसिल, x बचेगा और ये माइनस का 4। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस 4, इस वाले का, जिसमें ये आपका सम था या आपका प्रोडक्ट था। बात समझ में आई, क्लियर है। अब दूसरे वाले को ट्राई करते हैं, दूसरे वाले में भी सेम स्ट्रक्चर यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस, ये फर्स्ट वाला आपका सम है यानी रूट टू एक्स हो गया, प्लस का साइन, ये लास्ट वाला आपका प्रोडक्ट है। मैंने कहा डिनोमिनेटर में कुछ भी आता है पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x स्क्वायर माइनस के 3 रूट टू एक्स प्लस का 1, ये दूसरे वाली इक्वेशन बन गई, स्ट्रक्चर आपकी यही रहेगी, स्ट्रक्चर आपकी यही रहेगी। थर्ड वाले के लिए देखो, थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए 0 और 5 यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है, 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस रूट 5, सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस का रूट 5, ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आया, क्लियर है। फोर वाले के लिए देखो, फोर्थ वाला क्वेश्चन 1/1, इसके लिए अगर अपन देखते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस का साइन 1x प्लस का 1, तो ये क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, बात खत्म, यही आ रहा है, चेक करते जाओ, यही आ रहा है। फिफ्थ वाले के लिए देख लो भैया, फिफ्थ वाले के लिए देख लो, थोड़ा इसको ऊपर ले जाता हूं मैं, यहीं पे कर लेंगे फिर, ये देखो क्वेश्चन क्वेश्चन दिख रहा है आपको। चलिए फिफ्थ वाले के लिए देखो, पांचवा क्वेश्चन यहां पे कर रहा हूं मैं, फिफ्थ वाला क्या है, स्ट्रक्चर यही रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम आपका माइनस का 1/4 यानी माइनस का 1/4 इंटू एक्स, फिर प्लस का साइन, प्रोडक्ट आपका 1/4, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 1/4, प्लस क्यों हुआ, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो 1/4 एक्स प्लस 1/4, बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई, क्लियर है। अब देखो जो डिनोमिनेटर में होता है उसी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का एक्स, ये हो जाएगा प्लस का 4, बात समझ में आई तो थम्स अप कर दो, नहीं आई तो कोई बात नहीं, क्लियर है। सिक्स वाला क्वेश्चन देख लो, सिक्स वाला क्वेश्चन देख लो, ये 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि ये 4 भी कैंसिल हो गया ना, तो 1 आ जाएगा। सिक्स वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, सिक्स वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्ट्रक्चर वही रहेगी बेटा, नो चेंज इन द स्ट्रक्चर, आई एम टेलिंग यू नो चेंज इन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सेम है, आपको सम की जगह पे सम रखना है, प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट रखना है। कई बार क्या होता है, सिंगल सिंगल जीरोस दे दिए जाते हैं कि फर्स्ट आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका फर्स्ट जीरो ये है, सेकंड जीरो ये है, तो आप उन दोनों को ऐड करके सम की जगह रख दो, दोनों का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट की जगह रख दो, आपकी पॉलिनोमियल बन जाएगी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अरे बोल भाई, समझ में आया क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, मजाक था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन लगाएंगे बेटा,
और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस यहाँ पे 1, सॉल्व किया तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। बात समझ में आई तो बता दो, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए तो अब आपका एक्सरसाइज 2.2 होता है भैया खत्म। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 को करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी है, 30 मिनट में काफ़ी कुछ हमने सीखा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ तुम हो तो मैं हूँ, तुम्हारा सपोर्ट है तो मैं हूँ, तुम्हारा प्यार है तो मैं हूँ, और तुम लोग हो तो ये ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री है। तुम्हारे बिना ये ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री कुछ नहीं है, इवन तुम्हारे बिना एजुकेशन भी नहीं है। स्टूडेंट है तभी गुरु है, छात्र है तभी शिक्षक है, शिष्य है तभी गुरु है, और गुरु को महान बनाने वाले शिष्य ही होता है, ठीक है। चलिए तो जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए